हे एवरीवन, दिस इज़ अंशली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल भारतीय संघर्ष, एंग्लो इंडियन स्ट्रगल जो है, एंड जो भी युद्ध हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का, और अंग्रेज कैसे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे ये डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने पुर्तगाल कंपनी भारत आई, कब आई, और ये सब डिस्कस कर लिया है। देन हमने डच का डिस्कस कर लिया है। देन हम आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डेनिस आते हैं। डेनिस का हमने शायद स्किप कर दिया है, नहीं डिस्कस किया है, तो आज ही हम इस वीडियो में थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे। देन फ्रांसीसी आते हैं, तो फ्रांसीसी का ऑलरेडी डन, एंड PDEDF याद कर लीजिए, ये सिक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजी है कि कौन पहले आता है। तो बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली आते सबसे पहले और जाते सबसे लास्ट में ही हैं, ठीक है, भारत से। देन आते हैं डच, आते हैं डच आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जो ब्रिटिशर आते हैं। देन आपकी डेनिस आती है, और देन लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आती है। तो फ्रांसीसी कंपनी का डिस्कस कर लिया, बस दो बचता है जो कि डच, डेनिस और डेनमार्क वाले, और ये आंग्ल भारतीय संघर्ष देख लेंगे हम, ठीक है। तो उससे पहले छोटा सा है वो देख लेते हैं। एंड अपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे भारत में विदेशी यूरोपीय कंपनी जो है वो आती हैं, ठीक है, उनका आगमन कैसे होता है। सो डेनिस की बात करें तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, छोटा सा है। डेनिस वो होते हैं जो डेनमार्क के जो रहते हैं, डेनमार्क में। इनका ड्यूरेशन देखिए कब आए थे, ये 1616 में आए थे और 1745 में चले गए थे, ठीक है। कब आए थे, 1616 और 1745 में चले गए थे। इन कंपनी का आगमन को होता है भारत में 1616 में, ये भारत में आते हैं, और भारत से इनका जाना कब होता है, 1745 में। कैसे जाते हैं, ये जो अपनी फैक्ट्री है अंग्रेज़ों को अपने अंग्रेज़ों को दे के चले जाते हैं, बेच देते हैं। तो भारत में इनकी फैक्ट्री ऐसी, अगर फैक्ट्री की बात करें तो टुकुबार और त्रयंबकोर जिसको कहते हैं, जो कि तंजौर तमिलनाडु में है, 1620 ईस्वी में बना था, और एक है सिरामपुर जो कि बंगाल में है 1676 में। ये दो फैक्ट्रियां बनी थी, जो एक त्रयंकोर ये वाला तंजौर में, त्रयंकोर याद कर लीजिएगा, और एक सिरामपुर जो कि बंगाल में था। ये दोनों फैक्ट्री डेनिस क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को बेच के चले जाते हैं वापस। तो ये बेचते कब है, 1745, और चले जाते हैं 1745। तो ये डेनिस के बारे में था। अब जो मेन हमारा है वो आंग्ल भारतीय संघर्ष की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है, और इस कंपनी का नाम क्या था। तो देखिए, कंपनी की स्थापना की बात करें तो कंपनी जो बनी थी 1600 में बनी थी, और ये भारत आती है 1608 ईस्वी में, ठीक है, भारत आती है 1608 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी को कंपनी की स्थापना हुई। पूर्व के देशों के साथ व्यापार वाणिज्य करने का व्यापारिक एक विशेषाधिकार मिलता है, चार्टर मिलता है, किससे, वहाँ की महारानी जो एलिजाबेथ होती हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो होती हैं, उनसे 15 वर्ष के लिए मोनोपोली का, यानी व्यापार करने का विशेषाधिकार मिलता है। अपने NCERT वाली क्लास की होगी जिसमें मैंने ये बताई, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इस विशेषाधिकार में क्या बोला गया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले जाएगी, व्यापार करेगी, कोई और नहीं इसके साथ, इसको मोनोपोली दी गई थी। बाकी इससे पहले इंडिया में तो अदर कंपनी आई थी, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की आई थी, ये 15 वर्ष के लिए इसको विशेषाधिकार दिया गया था एलिजाबेथ के द्वारा 1600 में। लेकिन क्या ये जब कंपनी बनती है तो उसके बाद एलिजाबेथ महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तब ये क्या होते हैं राजा जॉन जो थे, ब्रिटिश शासक राजा जॉन ने 1603 ईस्वी में जब ये जॉन के पास जाते हैं, राजा जॉन के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि मुझे कंपनी को विशेषाधिकार मिलता है। तो फिर ये जो राजा रहते हैं ये रिन्यू करा देते हैं, जो विशेषाधिकार मिला था वो रिन्यू करा देते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने कहा था ऐसा विशेषाधिकार दिया था। और इस कंपनी की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे, और टोटल 22 निदेशक थे, और टोटल सदस्यों की संख्या 24 हो जाएगी मिला के, ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में, इस कंपनी का ओरिजिनल नेम क्या था, इस कंपनी का ओरिजिनल नेम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी, ठीक है। बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था, ठीक है। तो जो राजा रहते हैं, ब्रिटिश शासक राजा जॉन जो थे, इन्होंने 1603 ईस्वी में एक अकबर के नाम एक पत्र लिखता है, मतलब एक पत्र देता है कंपनी को ले जाके कि अकबर को दे देना, एक व्यापारी कंपनी को दिया। अब कंपनी जब भारत आई, उससे पहले अकबर की मृत्यु हो जाती है, उस जब ये कंपनी भारत आती है तो उस टाइम जहांगीर का शासनकाल रहता है, ठीक है। तो अकबर को तो ये मिलता नहीं, जहांगीर को ही मिलेगा। तो कंपनी जब भारत आती है, कब आती है, 1608 में, और ये कंपनी एक
चार्टर्ड संयुक्त पूंजी कंपनी है। कंपनी कौन सी है? एक चार्टर्ड संयुक्त पूंजी कंपनी है, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कहीं पे, आपको राजा जेम्स का प्रथम पत्र लेकर आती है। तो जो शासक रहता राजा जॉन, उन्होंने अकबर के नाम पे एक पत्र लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, राजा जॉन का नहीं पत्र लेके आता है, ठीक है। ये राजा जेम्स का प्रथम का पत्र लेकर आया, राजा जॉन करेक्ट कर लीजिएगा। तो राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ये किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। कौन आता है? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है, इसके नेतृत्व में एक व्यापारिक दल जो होता है भारत आता है, सूरत बंदरगाह पे ये पहुँचते हैं, सूरत पोर्ट पे। और वहाँ वो किसके थ्रू आते हैं? एक जहाज नाम रहता है हेक्टर। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो किसका पत्र लेकर, यानी राजा जेम्स का पत्र लेकर, राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाता है, सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है, और वहाँ कौन से जहाज से जाता है? हेक्टर नामक जहाज से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पहुंचता है उस टाइम सूरत में, कंपनी तो नहीं, फैक्ट्री नहीं बन पाती है क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी अदर कंपनी जो होती है सूरत में कब्जा की रखी रहती है, शासक रहते हैं। तो ये कंपनी पहली अपनी फैक्ट्री वहाँ नहीं स्थापित कर पाती है, लेकिन ये अपनी दूसरी फैक्ट्री है, क्योंकि ये जहांगीर के पास जब जाता है ना, तो जहांगीर इससे प्रसन्न हो जाता है क्योंकि इसको सभी भाषाएं आती है। किसको? कैप्टन हॉकिंस को सभी भाषाएं आती है, और इसकी वजह से ही जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? कैप्टन हॉकिंस को। और ये जहांगीर के पास जब पहुँचता है तो ये जहांगीर इसको 400 मनसब का पद भी प्रदान करता है। और हॉकिंस को फारसी बोल पढ़ सकता था, जो कि इनकी भाषा थी मुगलों की। तो ये प्रसन्न हो जाता है और इसको इंग्लिश खा की उपाधि देता है। तो अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली, लेकिन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ऑप्शन में मछलीपट्टनम नहीं, सूरत देखने को मिलेगा। तो सूरत भी लगा सकते हैं कि अंग्रेज जब दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं वो सूरत में खोलते हैं, जबकि ये एक किलाबंद बस्ती थी। पहली किलाबंद बस्ती वाली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में खोली थी, और अंग्रेज़ पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम जिसे कहते हैं 1611 में खोली थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक घटना हुई थी जब ये सूरत में फैक्ट्री 1613 में खोलते हैं, उससे पहले एक घटना हुई थी जो कि बीपीएससी में पूछा गया था, एक स्वाली की घटना, बैटल ऑफ स्वाली जिसे कहते हैं। स्वाली की लड़ाई कब हुई थी? तो स्वाली की लड़ाई हुई थी 1612 ईस्वी में हुई थी। तो 1612 ईस्वी में किसकी लड़ाई थी? स्वाली की लड़ाई हुई थी। कहाँ है ये स्वाली? सूरत बंदरगाह के निकट जो है वहीं ये स्वाली है, वहीं। इसकी किसके साथ हुई थी ये? इस टाइम थॉमस बेस्ट था, अंग्रेजों की तरफ से थॉमस बेस्ट था जो नेतृत्व कर रहा था। और ये कट कर दें, ये गलत है। स्वाली के निकट समुद्र में पुर्तगालियों को हराकर अपने नौसैनिक श्रेष्ठता को सुनिश्चित किया, और सूरत बंदरगाह के निकट अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं अंग्रेज। तो ये घटना हुई थी स्वाली की, ये पूछा जाता है। तो थॉमस बेस्ट नाम याद कर लीजिएगा, किसके साथ? पुर्तगाली के साथ। उसके बाद ही अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करते हैं, और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये तो हो गया। अब देखिए, इनको भारत तो आते हैं और इनको कुछ विशेषाधिकार भी मिलता है, इनको कुछ विशेषाधिकार मिलता है अंग्रेजों को, अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो इसको कुछ विशेषाधिकार मिलता है, क्योंकि ये चापलूसी करते हैं राजाओं की, शासकों की। तो 1632 ईस्वी में क्या होता है? गोलकुंडा का एक शासक रहता है जिनसे सुनहरा फरमान की प्राप्ति होती है। तो ये सुनहरा फरमान क्या है? ये इसमें 500 पगोड़े यानी स्वर्ण मुद्रा के बदले मुक्त वार्षिक व्यापार का अधिकार दिया है। यानी ये व्यापार करेंगे भारत में, लेकिन वार्षिक इन्होंने टैक्स दिया 500 पगोड़ा, यानी स्वर्ण मुद्रा अधिकार दे दिया। अब ये वर्ष भर पूरा व्यापार करेंगे। ये गोलकुंडा के शासक से इनसे गोल्डन परमिट मिला था। देन 1651 में इनको बंगाल के सूबेदार यानी शाह सुजा जो रहता है उस टाइम, शाहजहां का पुत्र रहता है शाह सुजा, जो कि बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है उसको। तो उसके थ्रू भी बंगाल में इनको सूबेदार के थ्रू विशेषाधिकार मिलता है। कैसे? ये 3000 रुपये का वार्षिक कर देकर डील की गई थी, 3000 वार्षिक कर देकर डील की गई थी कि वह वर्ष भर व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों देते हैं सासुजा की तबीयत खराब हो जाती है, तो एक गैबियन मांटल जो कि चिकित्सक रहता है, गैबियन वॉटन, तो ये आया था इस टाइम, उनकी मदद की थी, तो इसकी वजह से ये प्रसन्न होकर ये
एग्री कर जाते हैं, कितना 3,000 रुपये वार्षिक दर। फिर 1656 में विशेषाधार की जो विशेषाधिकार था उसकी पुनः प्राप्ति की जाती है बंगाल में। 1678 में क्या होता है, विशेषाधिकार की पुनः प्राप्ति होती है गोलकुंडा में, जो इधर अभी मिला ना वही पुनः रिन्यू करा दिया जाता है औरंगजेब के समय में, ठीक है, औरंगजेब के समय में ये होता है। फिर 1680 में औरंगजेब से भी विशेषाधिकार मिलता है बंगाल में, तो वही सेम जो सासू जाने दिया वही सेम, लेकिन अदर जगह जो कर लगाने का प्रावधान था उसने इसमें क्या किया कि औरंगजेब ने अलग प्रावधान किया, क्योंकि औरंगजेब शक्तिशाली था और स्मार्ट भी था, उसको जानकारी थी कि ये क्या कर रहे हैं भारत में, निगरानी रखता था, समझ जाता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही तो मुगल शासक कमज़ोर हो गए, और जिसके वजह से ये ब्रिटिश और देसी रियासतें बहुत सारी आ गईं, क्योंकि मुगल शासक कमज़ोर हो गए थे, इनके उत्तराधिकारी जो थे वो इतने शक्तिशाली नहीं रह गए थे पहले जैसे, बस दिल्ली तक सीमित रह गए थे, बाकी जगह देसी रियासतें बन गई। फिर अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों की चापलूसी करके उन पर सहायक संधि थोप के अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, कूटनीति षड्यंत्र रच के जो भी किया है तो उसने अब बाद में कर लिया। तो औरंगजेब क्या था, इसने अलग प्रावधान किया कर का, इसने बंगाल में तो वही जो शाह शुजा के टाइम पे हुआ था वही रिन्यू करा दिया, लेकिन अलग जगह पे इसने 2% कर और 1.5% कर की वृद्धि की, यानी टोटल 3.5% कर का इसने प्रावधान किया, मतलब प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होंगे उस पर इतना कर लगाया इसने। तो अंग्रेज के समय में घटनाएं होती हैं, क्योंकि औरंगजेब के समय में घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब किसी भी कंपनी को अगर विशेषाधिकार मिलेगा तो उसमें करप्शन तो करेंगे सब, भ्रष्टाचार जन्म लेगा, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो औरंगजेब के टाइम पे ये लोग कर रहे थे अंग्रेज, और इसके बाद औरंगजेब बौखला जाता है, फिर इनको सजा भी देता है। तो अंग्रेज के समय में जेरोल्ड अंगियार जो रहता है इसने पश्चिमी तट पर मुगल सेना को रोका था, ठीक है, अब इनको लगा कि फरमान मिल गया है, विशेषाधिकार मिल गया, तो ये उड़ेंगे आसमान में उड़ेंगे। तो औरंगजेब से जब इसने मुगल सेना पर रोक दिया था पश्चिमी तट पे, तो फिर बाद में जाके ये औरंगजेब से माफ़ी मांगता है अंग्रेज, औरंगजेब तो था ही ऐसा कि अगर डरा देगा भगा भी सकता था, तो अगर औरंगजेब से ये माफ़ी मांगता है। फिर 1686 ईस्वी में क्या होता है, बंगाल में अंग्रेज व्यापारी भ्रष्टाचार कर रहे थे, औरंगजेब ने भगा दिया इनको, औरंगजेब ने क्या किया था, इनको भगा दिया था, और फुल्टा टापू जो कि ज्वरग्रस्त द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था वहाँ भगा दिया इसको अंग्रेजों। अब वहाँ जब भगा दिया तो वहाँ पे जाके तो मर ही जाएगा इंसान ना, तो अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी और पुनः व्यापार किया। तो माफ़ी मांग के सुलह करवा लिया, और ये सुलह किसने करवाया, जॉब चरनॉट, ये मध्यस्थ था इसके बीच में। देन बात करेंगे 1698 ईस्वी में क्या होता है, अजीम उस्सान बंगाल का जो सूबेदार रहता है, बहादुर शाह का बेटा है ये, किसका, बहादुर शाह का बेटा, ठीक है, बहादुर शाह का बेटा है ये, इस जो कि बंगाल का सूबेदार रहता है, इसने अंग्रेजों से 3 गांव खरीद लेते हैं, गोविंदपुरी, सुल्तानाती और कोलिकाता। कोलिकाता जाके बाद में कलकत्ता नगर बनता है 1700 में, ठीक है, और ये गाँव खरीदता कितने में, 12,000 रुपये दे के खरीद लेता है। कलकत्ता की बात करें तो 1698 में भूमि खरीदी गई थी, ठीक है, ये तो अभी ऊपर मैंने बताया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता नगर की स्थापना हुई, और तथा प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आयरकूट, चार्ल्स आयरकूट बनाए गए थे, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कलकत्ता भारत में अंग्रेजों का राजधानी बना, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। राजधानी की बात करें तो राजधानी बदल दिया गया था, इसको राजधानी तो बनाई गई थी लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको राजधानी बनाई गई, भारत की राजधानी बनी 1774 से 1911 में, लेकिन दिसंबर तक ये राजधानी रही। उसके बाद से जब जॉर्ज पंचम आते हैं, और जिस टाइम बंगाल विभाजन जो 1905 में होता है वो भंग किया जाता है, दिल्ली दरबार लगता है, उस टाइम ये घोषणा हो जाती है कि दिल्ली को राजधानी बनाई जाएगी, ठीक है, तो दिल्ली राजधानी बनती है 1912 में, परिवर्तन की घटना हुई और नई राजधानी दिल्ली बनी, जो कि 1912 से 1947 और अब तक अभी दिल्ली की राजधानी नहीं थी। एक और घटना याद कर लीजिए कि फ्रांसीसी फल्सट जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, फ्रांसिस्को फल्सट याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों को एक और फरमान मिलता है 1717 में, एक फरमान मिलता है, सुनहला फरमान मिलता है जिसको कहते हैं, फर्रुखसियर ने दिया था।
फरुख सियर के समय इसको सुनहला फरमान, सुनहरा या सुनहला फरमान जिसको कहते हैं, सर जॉर्ज शर्मन मिशन की सफलता के परिणाम स्वरूप। तो जॉर्ज शर्मन मिशन भारत आता है जो कि ब्रिटिश के द्वारा ही, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के द्वारा ही भेजा जाता है। तो ये मिशन आता है और ये मिशन सफल हो जाता है। इसके बाद से फरुख सियर ने 1717 ईस्वी में यह सुनहरा फरमान जारी किया था। अब इस फरमान का या इस आदेश में क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था, और 10,000 रुपये वार्षिक बदले में सूरत बंदरगाह पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। सबसे टर्निंग पॉइंट यही है, ठीक है। बॉम्बे में अंग्रेजों के द्वारा सिक्के ढलाने का अधिकार दे दिया। अब ये सिक्के ढलाने की वजह से ही देखिए बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर का कारण बन जाता है। तो ये सिक्के ढलाने का जब दे देंगे तो अंग्रेज तो अपना पाँव तो फैलाएंगे, पैर फैलाएंगे, तो ये घटना थोड़ा टर्निंग पॉइंट था। अन्य अधिकार भी मिले थे इनको, जैसे कि बंगाल में 38 अन्य गांव खरीदने का अधिकार मिल गया। ब्रिटिश इतिहासकार ने ओमर ने इसे मैग्ना काटा यानी महान अधिकार कहा था, जो फरुख सियर ने 1717 में दिया था। फरुख सियर ने इसलिए दिया था क्योंकि इस टाइम एक चिकित्सक आया था जो इनकी तबीयत ख़राब होती, यही क्योंकि भारत में ऐसे चिकित्सक अवैध नहीं थे जो इलाज कर ले, और ये ऐसे थे, तो इनके टाइम पर एक चिकित्सक भी आया था, हैमिल्टन, उससे प्रसन्न होकर दिया था ये। अब बात करते हैं प्रमुख मिशन, ये कैसे कैसे भारत में आते हैं। तो 1615 और 1618 में सर टॉमस रो जो कि ब्रिटिश राजदूत बनकर भारत में आता है जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। एंड 1698 ईस्वी में नॉरिस मिशन आता है जो कि असफल रहता है, औरंगजेब के समय में आएगा तो असफल ही रहेगा। सर जॉन शर्मन मिशन आता है फरुख सियर के समय में जो कि सफल रहता है, और उसी समय में विशेषाधिकार दे दिया जाता है। इसका अध्यक्ष जॉन शर्मन था, और अन्य सदस्य में सर्जन विलियम हैमिल्टन था जो कि एक चिकित्सक था, और दूरभाषी ख्वाजा सहुर्द था, ये अर्मेनिया मूल का व्यक्ति था ये, ठीक है। ये जो मिशन था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भेजा गया था। ओके, उत्तर मुगल बादशाह का हम थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज भाई हम अंग्रेजों का विस्तार देख रहे हैं तो मुगल काल कैसे शक्तिहीन हो जाते हैं, इतनी एक्टिव नहीं रहते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले के जो मुगल शासक हैं, अर्ली मुगल शासक, उनका नाम पता ही होगा। एक ट्रिक बता रही हूँ, भाजी सब्जी, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, माँ साहब, ठीक है, ऐसे आपका लेना। अब इसमें सारे ही आपको क्रम सीक्वेंस पूछा जाता है आर ओ आर ओ यूपीपीसीएस में, ये एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। देखिए बाबर का आपको पता ही होगा, हुमायूं तो पता ही होगा, अकबर पता होगा, जी से कौन, जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। अब उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह, बहादुर शाह हो जाएगा, जहांदर शाह, देन फरुख सियर, फरुख सियर के बाद दो आते हैं जो कि दरजात उद्दौला, दरजात रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दाल, जो कि एक ही साल में इनकी डेथ हो जाती है तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते। फरुख सियर हो गए, अगर पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिएगा, दरजात और दौला, ठीक है। एंड माँ से क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला मिजाज के थे तो मोहम्मद शाह रंगीला। एंड ए से क्या हो जाएगा, अहमद शाह, अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली हमला किया था, फिर आलम शाह, नहीं आलम शाह नहीं, अहमद शाह हो गया और आलमगीर हो जाएंगे, और ये आपके देखिए शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे, शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे, जिनके टाइम पे ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम के बाद आप शाहजहाँ भी लगा सकते हो, शाहजहाँ तृतीय, पर वो नहीं पूछे जाते हैं। एंड देन अकबर, अकबर द्वितीय, और लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो आपको क्लियर हो गया, देखिए ये मैंने बताया था, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। बहादुर शाह का टाइम जो था औरंगजेब के बाद शुरू हो जाता है 1707 से 1712 ईस्वी में, और इसके टाइम पे जो गुरु गोबिंद सिंह जो होते हैं, इनकी मौत हो जाती है, जो कि सिक्कों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और आपको एक पता है, एक और गुरु थे जिनकी डेथ होती है मुगल शासक के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, अर्जुन देव, उनका नाम भी याद होना चाहिए। और इसी के टाइम पे बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ था, और बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की जाती है फरुख सियर के टाइम में। जहादर शाह अंतिम कुछ है नहीं, फरुख सियर के टाइम पे बंदा बहादुर सिंह का पतन हो जाता है 1716 में, भयंकर सजा मिलती है। और 1719 में मराठा शासक जो होते हैं साहू जी, और पेशवा उस समय बालाजी विश्वनाथ होते हैं, और
सैयद बंधु जो थे साहू जी किससे संपर्क करते हैं, मुगल शासक फरूख सियर को गद्दी से हटाने के लिए, परिणाम में मराठा दक्षिण भारत में कर वसूलने का विशेषाधिकार मिल जाता है, जो कि हमने मैसूर वंश में पढ़ा था 1719 में। ये जो औरंगजेब टैक्स वसूलता था कर मैसूर वंश से, वाडेयार वंश से, अब ये अंग्रेज वसूलने, सॉरी मराठे वसूलने लगे थे। ये दिल्ली समझौता हुआ था 1719 में, ठीक है। साहू जी से मदद मांगी थी सैयद बंधु ने फरूख सियर को हटाने के लिए, ठीक है। साहू जी से संपर्क किए थे उस समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, और मराठों का दक्षिण भारत में कर वसूलने का ये विशेषाधिकार मिल जाता है। उस टाइम औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कब्जा कर रखा था, ठीक है, विजयनगर एनऑल के पास पहुंच गया था, वाडेयार वंश तक पहुंच गया था। तो यहाँ तक तो विस्तार हो गया है, लेकिन अभी आगे चल के सारा विस्तार खत्म हो जाएगा, क्योंकि बस दिल्ली तक सीमित रह जाएंगे, बस खाने को मिल जाए वही बहुत है इनको, तब ये तक सीमित हो जाए, ये कंडीशन हो जाएगी। देन रफीउद्दरजाल, ये सब एक ही में है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला किस टाइम पे दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का हमला हुआ था, जो कि एक ईरान अफगान पठान शासक था। देन अहमद शाह के टाइम पे हमला हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो ये सब लूट कर लेके गए थे, ठीक है। और आलमगीर के टाइम, आलमगीर दीति है ये, करेक्ट कर लीजिएगा, आलमगीर दीति, और इसी के टाइम पे प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी से आलमगीर याद कर लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी 1757 में, आलमगीर दीति के टाइम पे। देन शाहजहां तृति, ये तो मैंने नहीं बताया क्योंकि ये नहीं आता है। और शाह आलम दीति के टाइम पे बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, और इसी के साथ अंग्रेज इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 ईस्वी में, ठीक है। देन अकबर दीति का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये राजा राम मोहन राय को राजदूत बनाकर लंदन भेजते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जो अंतिम मुगल शासक रहते हैं, इनको तो इनके साथ अंग्रेज बहुत निर्मंग तरीके से व्यवहार करते हैं, इनके सामने ही इनके बेटों को गोली मार दी जाती है दिल्ली में, इनके बीबी, और इनको रंगून भेज दिया जाता है, जो कि म्यांमार में है, वहाँ जेल में ही ये मर जाते हैं। तो ये जफर की उपाधि से ही गजल कविताएं करते थे। 1857 में का विद्रोह जब हुआ था, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये कुछ घटनाएँ थी, ठीक है। और ये हत्या किसने की थी, इनके बेटों की हत्या हडसन ने की थी, कैप्टन हडसन ने, ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया था। बंगाल के नवाब को भी देखिए, क्योंकि अगर हम आंग्ल भारत संघर्ष देखेंगे तो बंगाल के नवाब ही तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंग्रेजों में जो मीर जाफर है, चीट करता है, षड्यंत्र रचता है, तो साम्राज्य विस्तार हो ही जाता है अंग्रेज का। तो बंगाल के नवाब की बात करें तो 1700 से 1765 तक बंगाल के नवाब रहते हैं, और बंगाल के नवाब पहले नवाब नहीं रहते हैं, जब मुगल शासक कमज़ोर होते जाते हैं तो ये छोटे छोटे रियासतें बनाने लगते हैं जो सूबेदार रहते हैं, जैसे कि लखनऊ में अवध का बना लिया, और कर्नाटक का बना, हैदराबाद का बना, और देन ये बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां बना लेता है अपने आप को नवाब। तो इस तरीके से जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो मुर्शिद कुली खां जो होते हैं 1727 तक, ये औरंगजेब के समय में दीवान बनाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ के, बंगाल के। फिर 1717 में इसको फरूख सियर के समय सूबेदार बनाया जाता है, 1719 में उड़ीसा का सूबेदार बनता है। तो मुर्शिद अली कुली खां आगे चलकर मुगल साम्राज्य का कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी है, ठीक है। इसलिए मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया था कि इसलिए यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद बंगाल का सूबेदार तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि नवाब का पद आ जाता है। देन एक और घटना है, इसका जो दामाद है, दामाद जो है सुजाउद्दीन जो दामाद है ये रहता है, और इसके टाइम पे जो मुर्शिद कुली खां, इस टाइम जो राजधानी रहती है बंगाल की वो ढाका रहती है, जो कि बांग्लादेश में भी है, तो ढाका रहती है, लेकिन बाद में कौन मुर्शिदाबाद करता है, देन मुंगेर करता है राजधानी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन सुजाउद्दीन बिहार का सूबेदार बनाया जाता है 1733 ईस्वी में। उप सूबेदार इस समय अली वर्दी खां। अब अली वर्दी खां एक स्वतंत्र नवाब बनेगा रंगीला की मदद से, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला की मदद से ये नवाब बनेगा। देन सुजाउद्दीन क्या है, सरफराज खान उसका पुत्र बनता है। सरफराज खान के समय में क्या होता है कि जो अली वर्दी था
1740 में गिरिया के युद्ध में इनको पराजित कर देता है। और क्या होता है कि सरफराज की हत्या कर दी जाती है गिरिया के युद्ध में। ये हत्या अली वर्दी ने करवा दिया, और फिर अली वर्दी को ही रंगीला ने क्या अब नवाब नियुक्त किया। तो अली वर्दी अगला क्या बनता है, एक स्वतंत्र सूबेदार नवाब बनता है, अली वर्दी खां के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। तो अली वर्दी खां जब नवाब बनता है 1740 से 1756 में, तो ये मुर्शिदाबाद इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये देख रहा था ना, तो ये राजधानी मुर्शिदाबाद से बना दिया, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बना दिया। पहले ढाका थी, उसके बाद ये। तो इसकी तीन पुत्रियाँ थी, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लासी के युद्ध में ये इम्पोर्टेंट है। तीन पुत्रियाँ थी, मेहरुनिसा घसीटी बेगम जिसे कहा जाता था, मैमुना बेगम पूर्णिया में जिनकी शादी हुई थी बिहार में, और इनका एक पुत्र था मैमुना बेगम का शौकत जंग बाद में ही जाके अपने भाई के षड्यंत्र रचेगा, और ये घसीटी बेगम भी। और अमीना थी, अमीना का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो ये अली वर्दी का खुद का पुत्र नहीं, अब ये अपने जो भी ग्रैंडसन है इन्हीं को उत्तराधिकारी बनाएगा, ठीक है। तो अली वर्दी क्या करता है, अली वर्दी खां ने अपने ये जो अमीना है, अमीना की अपनी पुत्री, उसके बेटे को सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और सिराजुद्दौला को ये सलाह दी थी कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, इनको अगर मान लो कि मधुमक्खी का छत्ता उस पर आप छेड़ोगे तभी तो वो आपको डंग मारेगा, अदरवाइज नहीं। तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से छत्ते से कौन किया था, अली वर्दी खां ने। और अली नगर जो बसाया था ना, अली नगर किया था कोलकाता का नाम, ये अली वर्दी खां के नाम पे ही सिराजुद्दौला ने किया था, ठीक है। इन दोनों की बहुत बनती थी, अपने मतलब नाना नानी नाना लगेगा ना, नाना ठीक है, तो बनता था। देन हम बात करेंगे अली वर्दी के खां में क्या हुआ, हो गया सिराजुद्दौला जो इसका इसके पुत्री का पुत्र था उसको नवाब उत्तराधिकारी बना देता है। तो सिराजुद्दौला के टाइम पे ही आपका बैटल ऑफ प्लासी हुई, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ होती है, और मीर जाफर उसके बाद नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर से मीर कासिम बनाया जाता है जो कि मीर जाफर का दामाद होता है, और मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है। सेनापति खुद चाहता है कि मैं नवाब बनूं, इसीलिए अपने नवाब को ही धोखा देता है अंग्रेजों के साथ मिलके। मीर कासिम भी वही करता है जो उसके उसके फादर इन लॉ ने किया था, मीर जाफर ने किया था। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो मीर कासिम भी अंग्रेज से मिलके वही करता है। फिर मीर जाफर फिर नवाब बनाया जाता है क्योंकि मीर कासिम एक अच्छा मतलब समझदार था, मीर कासिम समझदार था, उसको अंग्रेजों की कूटनीति का पता था, ठीक है। और मीर जाफर बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। देन ये नवाब का पद ही हट जाता है, देन खुद दीवानी जो पद होता है फिर आ जाता है, अंग्रेज पूरी तरीके से एक स्वतंत्र हो जाते हैं, दीवानी ले लेते हैं अलसा आलम से बंगाल की, और राजस्व वहाँ से रिवेन्यू लेते हैं, वहाँ से राजस्व वसूल करते हैं। तो इसके बाद नजमुद्दौला, मीर जाफर का बेटा सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, तो ये सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये लोग बनते हैं दीवान, या फिर नवाब नहीं दीवान बनते हैं, नवाब नहीं रह जाते हैं, ठीक है। मीर कासिम मीर जाफर तक ही रहते हैं, फिर ये दीवान बन जाते हैं। ओके, देन अभी आगे का डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इतना डिटेल में अच्छे से स्लोली धीरे धीरे बता रही हूँ आपको, बिकॉज अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आप आसानी से कर लोगे। बिकॉज अगर हम क्रोनोलॉजी नहीं समझते कि कैसे कैसे क्या हुआ, देन हम बात करेंगे प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हम बैकग्राउंड समझते हैं कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो देखिए, सिराजुद्दौला के टाइम पे होता है, जब जब ये इसके जो नाना जी हैं अली वर्दी इसको उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो ऑफकोर्स जो अदर उनकी बेटियां थी जैसे घसीटी बेगम, अमीना, ये सारे और शौकत जंग जो उनका एक और ग्रैंडसन था, वो जेलस तो होंगे ही। तो अब ये जेलस थे, और इसका एक सेनापति था मीर जाफर, वो खुद नवाब बनना चाहता था। तो इसके विरुद्ध में घसीटी बेगम थी, शौकत जंग था जो इसका भाई, और राज इसकी खुद की मौसी इसका भाई, और एक दीवान राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ राजबल्लभ का पुत्र, और जगत सेठ और मीर जाफर का सेना, एंड देन सेनापति, उसके बाद यार लतीफ और सैनिक पदाधिकारी जो रहता है वो, और भी होते हैं अमीचंद,
एक सेकेंड, ये नहीं अभी नहीं रहता अमीरचंद, अब बक्सर के वेद में रहता है। मीर जाफर का पुत्र रहता है मीरन। ये कहानी आपको समझ आ गई कि कैसे क्या होता है। अब सिराजुद्दौला के सपोर्ट में कौन रहता है? तो फ्रांसीसी सैनिक, फ्रांसीसियों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। मीर मदान सैनिक पदाधिकारी रहते हैं और मोहन से एक सैनिक, ये सिराजुद्दौला के साथ हैं। देखिए बैटल ऑफ प्लासी से पहले ही अंग्रेज फ्रांसीसियों से लड़ चुके थे, डच के साथ लड़ चुके थे। एंग्लो फ्रांस युद्ध हुआ था, कर्नाटका का प्रथम द्वितीय, ये सब युद्ध हो चुका था। और उसी टाइम उसके बाद जो तृतीय एंग्लो फ्रांस संघर्ष था वो भी हो रहा था उसी टाइम। तो ये परिस्थितियाँ थी, वो घटनाक्रम था। तो अभी हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के साथ होती है। अंग्रेज के साथ सेनापति इसका साथ दे देता है, षड्यंत्र रचता है। ये शुरुआत क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ती है बैटल ऑफ प्लासी की? तो देखिए सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो इसके नाना जी थे वो बोल दिए थे कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह अंग्रेज हाथ मत डालना, पर सिराजुद्दौला मानने वाला नहीं था। अब भाई नवाब कोई बन जाएगा तो अपने ही राज्य में उसकी हानि होगी, उसको ना कोई राजस्व मिलेगा ना टैक्स मिलेगा, कोई आके किलाबंदी करेगा तो अफकोर्स वो कुछ ना स्टेप तो लेगा, कुछ तो करेगा। तो सिराजुद्दौला ने भी किया। क्या हुआ था फ्रांसीसियों के साथ जब युद्ध हुआ था तो चंद्रनगर फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने ले लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है। अब ये किलाबंदी शुरू कर दिए थे, जैसे कि औरंगजेब ने ही कहा था कि किलाबंदी नहीं करना। अब ये क्या करते हैं, कोई भी नवाब क्यों चाहेगा कि कोई एक व्यापारिक कंपनी आई है भारत में, व्यापार की जगह वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है, किला बना रही है, सैनिक विस्तार कर रही है, क्यों? वो तो व्यापार करने की आई है, तो कोई भी डाउट करेगा ही। अब ये जो अंग्रेज थे वो किला बनाना शुरू कर दिए, फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री में किला बनाना शुरू कर दिए, तो किलाबंदी कर रहे थे, एक कारण था जिसके वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर धावा किया। कैसे किया? 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर धावा किया, 15 जून 1700 कोलकाता नगर में धावा किया, कलकत्ता नगर में, और 20 जून 1756 में इन्होंने फोर्ट विलियम में कलकत्ता की विजय की। अब ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, ये जो 1756 में ब्लैक होल घटना होती है जिसको ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। और इसी टाइम कलकत्ता की विजय कर लेता है ये। कलकत्ता तो अंग्रेजों ने खरीदा था, व्यापारी कंपनी ने अंग्रेजों ने खरीद लिया था, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे इसको जीत चुके थे, जीत लिए कलकत्ता, और कलकत्ता का नगर, कलकत्ता का नाम अपने जो नाना थे अली वर्दी उनके नाम पे अली नगर रख दिया। अब ये ब्लैक होल की घटना क्या है, इसमें 146 जो अंग्रेज हैं उनको कैद करके एक कमरे में रख देता है, और इसमें से कोई बहुत छोटा कमरा था, बहुत छोटा कमरा का मतलब साइज क्या थी, 18x14 फीट कमरे में थे, और एक छोटे से कमरे में 146 लोग हैं, उसमें से जो बचे थे 23 जिंदा बचे थे। ये घटना ब्लैक होल का जो वर्णन किया था होलवेल ने किया था, होलवेल ने, और ये घटना हुई थी उस टाइम, ये घटना का वर्णन होलवेल ने किया था, ठीक है। सो ये कोलकाता पे कब्जा कर लेता है और इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहते हैं, क्योंकि 23 लोग जिंदा बचते हैं बाकी लोग मर जाते हैं, ठीक है। होलवेल ने इस घटना के बारे में बताया था, जो कि रॉबर्ट क्लेक जब 1760 ईस्वी में चला जाता है, उसको वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है, तब ये रॉबर्ट क्लेक की जगह पे होलवेल जो है वो टेम्पररी वो बनता है, गवर्नर बनता है, ठीक है, गवर्नर बनता है। अब कलकत्ता की विजय हो गई, कलकत्ता पे अगर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया तो इसके रिस्पांस में कुछ तो रिएक्शन देंगे ना अंग्रेज। तो जब रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है फिर तो क्या होता है, अभी रॉबर्ट क्लाइव आता नहीं, अभी तो रॉबर्ट क्लाइव है ही, तो 1760 में जाता है ना। तो अंग्रेजी टुकड़ियों कलकत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए स्थलीय जलीय और स्थलीय मार्ग से आगे बढ़ी, अंग्रेजी जो सेना थी वो आगे बढ़ती है। स्थलीय टीम का जो नेता रहता है वो रॉबर्ट क्लाइव रहता है, और जलीय टीम का जो नेता होता है एडमिरल वॉटसन। तो फिर क्या होता है, 2 जनवरी 1757 को क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो जाती है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव फिर वापस कलकत्ता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जो सिराजुद्दौला ने जीत लिया था।
इस घटना में प्रमुख व्यक्तित्व तो कौन थे? इस टाइम कलकत्ता का जो गवर्नर था वो ड्रैक था, और सेनापति मिंचिन था, और फैक्टर जो होते हैं, फैक्टेरिया के प्रतिष्ठान प्रधान जो होते हैं, वाटसन था। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व आपको, पर्सनैलिटी जो देखने को मिलेगी उस टाइम। कलकत्ता का गवर्नर कौन था? ड्रैक, याद कर लेना इस घटना में। ठीक है, सेनापति मिंचिन, और फैक्टरिया का प्रतिष्ठान वाटसन। ठीक है, प्लासी का युद्ध कैसे क्या होता है, कौन सा षड्यंत्र कैसे रचा जाता है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, षड्यंत्र होता है, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, सेनापति जो कि सिराजुद्दौला का रहता है, मीर जाफर का पुत्र मीरन रहता है जो सिराजुद्दौला की हत्या करेगा, सिराजुद्दौला का युद्ध में भागना पड़ता है, युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, अब सिराजुद्दौला को नहीं पता होता है कि उसका सेनापति अंग्रेजों के साथ मिला है, साथ नहीं देता, और सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ता है, और रास्ते में ही जाके ये षड्यंत्र का भाग था कि मीरन ने, जो कि मीर जाफर का पुत्र रहता है, उसकी हत्या कर देता है। मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, और एक अमीचंद होता है, ठीक है, इसी में था अमीचंद, जो कि बंगाल व्यापारी था, उसने अंग्रेजों के साथ उसने भी समझौता किया था। कोई समझौता क्यों करेगा? मीर जाफर ने समझौता इसलिए किया था क्योंकि उसको बंगाल का नवाब बनना था, इस लालच में। जो व्यापारी था उसको भी अंग्रेजों से लाभ मिल रहा था, तभी तो उसने बॉन्ड साइन किया था, तो मीर जाफर ने भी बॉन्ड साइन किया था। एक पेपर होता है, एक वाइट पेपर और एक रेड पेपर, इस पे जो था अंग्रेजों को साइन करवाना था, किसका? जो एडमिरल था ना, एडमिरल वाटसन था, उसका साइन करवाना था। तो अमीचंद ने बोला कि पहले साइन करवाइए, तभी मैं आपका साथ दूंगा, नहीं तो मैं जाके सिराजुद्दौला को बता दूंगा कि ऐसा ऐसा बात षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं। तो लाल पेपर पे तो वाटसन जो था, एडमिरल वाटसन, उसने मना कर दिया। तो क्लाइव बहुत चालाक रहता है, इसने क्या करता है कि नकली साइन कर देता है एडमिरल वाटसन का, और ये डील हो जाता है। ठीक है, फिर अमीचंद की भी हत्या कर देता है बाद में जाके, जब ये मीर जाफर नवाब बन जाता है तो अमीचंद की हत्या भी अंग्रेज कर देते हैं। तो ये षड्यंत्रों का एक षड्यंत्र था। ठीक है, और मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? वाइट पेपर पर समझौता किया था, सफ़ेद कागज पर। तो क्या होता है परिणाम स्वरूप, क्या होता है, बंगाल का नवाब अब मीर जाफर बन जाता है, और जो शर्तें रहती हैं कि अंग्रेजों को 24 परगना की जागीर मिल गई। मीर जाफर को तो वो अपना कठपुतली बना रहे थे ना, अपने अधीन ही नवाब बना रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत फ़ायदा होता है इंडिया से, जब यहाँ से वो जाता है तो 4 लाख कुछ पौंड उसको संपत्ति मिली रहती है जब वो जाता है, तो इसलिए उस पर भी 1772 या 1774 में आत्महत्या कर लेता है। यस, रॉबर्ट क्लाइव जाता है क्योंकि यहाँ से वो बहुत करप्शन होता है, करप्शन की जांच के लिए तो उसको फिर से भेजा जाता था इंडिया में, 2 बार आया था इंडिया में, पहले उसको बुला लिया जाता है, तो फिर जब दोबारा भेजा जाता है तो फिर वो उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं इंडिया से, तो इसकी वजह से उस पर करप्शन का चार्ज लगता है, और जिसकी वजह से वो अपनी ही आत्महत्या कर लेता है 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में था। अंग्रेजी सेना को भी पैसे मिलते हैं, अंग्रेजी सेना को कितने मिलते हैं? अंग्रेजी सेना को 50,000 पौंड की राशि मिलती है। अंग्रेजी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है, अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाता है। तो ये घटना हुई थी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 को होता है, और मीर जाफर नवाब बनता है, तो इसलिए ये घटना जो है इसको षड्यंत्रों का षड्यंत्र कहा जाता है। दूसरा अगर जो युद्ध देखा जाए तो बक्सर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर होने से पहले क्या बैकग्राउंड था वो हम देख लेते हैं। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहता है प्लासी के युद्ध के बाद, अंग्रेजों को बहुत सारा लाभ मिलता है, स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को मिलता है, और जिसके वजह से इस पे चार्ज मुकदमा लगता है करप्शन का, और इसके वजह से ये खुदकुशी भी कर लेता, आत्महत्या कर लेता है 1774 ईस्वी में। मार्च 22 मार्च 1760 ईस्वी को क्लाइव को लंदन बुलाया जाता है, हॉलवेल बंगाल का स्थायी गवर्नर बनाया जाता है, और वेंसी टाट बंगाल का फिर स्थायी गवर्नर बनता है, फिर क्लाइव भारत आ जाता है, फिर उसको गवर्नर बना दिया जाता है। सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? अब मीर जाफर बना, मीर जाफर को अंग्रेजों से उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना वो चाहते थे, मीर जाफर उसकी सब बातें नहीं मानते थे, क्योंकि देखिए अंग्रेज को लालच आ गया था, वो अंग्रेजों से लूटना चाहते थे, अंग्रेज भारत से धन लूटना चाहते थे, इसलिए तो वो सब कर रहे थे, और लेकिन मीर कासिम से उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला, तो रक्तहीन क्रांति होती है मीर जाफर के साथ, फिर मीर कासिम मिल जाता है, तो मीर कासिम अंग्रेजों के साथ मिलके मीर जाफर को गद्दी से हटवा देता है। कैसे? ये जाते हैं मीर जाफर के जो अंग्रेज रहते हैं वो जहाँ पे वो रहता है उसको घेर लेते हैं उस स्थान को, और उसके बाद से बोलते हैं कि तुम बहुत ओल्ड हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या करोगे, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, ऑलरेडी हमने आपके किले को घेर रखा है।
मीर जाफर को कुछ करना नहीं रहता, मानना ही पड़ता है, मीर जाफर मान जाते हैं। फिर इनको क्या, मीर जाफर के साथ क्या होता है, अंग्रेज़, देखिए अंग्रेज़ मीर कासिम से मिलकर मीर जाफर का सत्ता से हटाया और मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम नवाब बन गया, ठीक है, 1760 ईस्वी में मीर कासिम नवाब बन गया, जो कि मीर जाफर का ही दामाद था। और मीर जाफर को पेंशन दे दिया गया था, मीर जाफर को पेंशन मिलने लगा था और इसको नज़रबंद करवा दिया गया था। देखिए अब मीर कासिम नवाब बन गया बंगाल का मीर जाफर के स्थान पे 1760 ईस्वी में, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों को निम्न जिले नए नवाब से प्राप्त हुए, यानी मीर कासिम से अंग्रेजों ने ये जिले लिए, वर्धमान लिया, मिदनापुर लिया और चटगांव, ये अंग्रेजों ने ले लिया मीर कासिम से। और सिलहट के चूना व्यापार से प्राप्त राजस्व का 1/2 भाग यानी 50% अंग्रेजों को देना तय हुआ। वेंसीटाट को, यहाँ पे वेंसीटाट को मिला, मैंने वेंसीटाट को मिलता है, बोला ना वेंसीटाट, अभी बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे गवर्नर कौन रहेगा, 1764 ईस्वी में रहेगा, तो बंगाल का गवर्नर कौन, वेंसीटाट बनेगा। क्लाइव अभी नहीं आता है, क्लाइव जब संधि होती है इलाहाबाद की 1765 में तब आएगा, अभी वेंसीटाट है। तो ये याद रखिएगा बक्सर के टाइम पे कौन था, और ड्रैक कब था, जब कलकत्ता पे अधिकार किया था वो अंग्रेजों ने, ड्रैक बना था। भारत में क्लाइव आया था तब 18 वर्ष का ही था, ठीक है। वेंसीटाट को मिला 50,000 पौंड, हॉलवेल को कितना मिला, 27,000 पौंड, कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को 25,000 पौंड देना तय हुआ। तो बस देखिए अंग्रेज लूट रहे हैं भारत से, नवाबों से लूट रहे हैं, क्योंकि ये कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं था, मीर कासिम को समझ आ गया, तो इसने पहले ही बंगाल में सुधार करना शुरू कर दिया था। क्या किया था इसने, कुछ बंगाल की सामाजिक सुदृढ़ता के प्रयास किए, जैसे कि फ्रांसीसी प्रशिक्षक जो थे, जो उनसे ट्रेनिंग ली, क्योंकि आधुनिकरण करना चाहता था, सेना का आधुनिकरण करना चाहता था, तो उसने फ्रांसीसी जो प्रशिक्षक था उसको नियुक्त किया, जिसको वाल्टर रिनहार्ड कहते हैं। वाल्टर रिनहार्ड को ही कैप्टन समरू कहा जाता है, इनका नाम है कैप्टन समरू। मुंगेर में, जो कि बिहार में है, मुंगेर में तोप और बंदूका का निर्माण किया गया। मुंगेर में क्यों, देखिए अंग्रेज बार बार मुर्शिदाबाद पहुँचा रहे थे, मनी दो मनी दो, अब इसलिए परेशान हो गया था। अब ये क्या किया, बिहार में जाके मुंगेर, मुंगेर को मुंगेर राजधानी बना दी। तो राजधानी परिवर्तन करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बना देता है, मुंगेर से फिर पटना जाता है, इस तरीके से राजधानी मुंगेर बनता है, पटना राजधानी नहीं, पटना ये भाग के जाता है, ठीक है। तो मुंगेर में तोप और बंदूकों के निर्माण का आयुध कारखाना स्थापित किया, सेना के आधुनिकरण के लिए प्रयास किया, राजनैतिक प्रशासनिक सुधार में इसने राजधानी परिवर्तन किया। ये और अलीवर्दी, आपने दो नाम सुने होंगे, दोनों ने राजधानी, एक तो ढाका से मुर्शिदाबाद करता है और ये जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है, ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए। भारतीय व्यवस्था में आंतरिक व्यापार के लिए टैक्स नहीं देना, 1762 में इसने टैक्स फ्री कर दिया सभी भारतीय व्यापारों के लिए। क्यों ऐसा इसने क्यों किया, देखिए अंग्रेजों को दस्तक मिला था, दस्तक यानी परमिट जो होता है, चेक टाइप जैसे होता है ना, लगा देते हैं व्यापार में तो फ्री में आते जाते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो व्यापार करते रहते हैं। तो अंग्रेज अब इसका फ़ायदा उठाने लगे। अब भारतीय व्यापारियों से जो बंगाल के नवाब को टैक्स मिलता था, रेवेन्यू, वो भी बंद हो गया। कैसे, अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों से मिल जाते थे, बोलते थे ये मुझे दस्तक मिला है, ये लगा लो तुम, और उनको क्या पता किसकी गाड़ी है और किसका वो है, किसका सामान है, किसका प्रोडक्ट है, और तुम्हें तो फ्री में मिल जाएगा करने के लिए, उसके बदले में तुम जो तुम उसको देते थे वो मुझे दे देना कुछ। तो अब अंग्रेज़ को ही वो पैसा मिलने लगा। अब ये अंग्रेज़ जब जिस कासिम को पता चला कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तो इसने भी चालाकी की। अब अंग्रेज़ क्या है, अंग्रेज़ों का तो खून खौल गया कि ये तो हमारे ही खिलाफ़ हो गया, जबकि हमने इसको नवाब बनाया था। तो अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो मुंगेर यानी पटना जाती, मुंगेर जाती। अंग्रेजों की सेना में एक रहता है एलसिन, एलसिन आई थिंक उसका नाम मैं भूल जा रही हूँ, ठीक है, उसका एलिस के नेतृत्व में सेना जाती है, सेना कुछ सेना की टुकड़ियों भेजता है इसको हमला करने के लिए, इस पर मीर कासिम को, मीर कासिम पर हमला मतलब इसको वो करने के लिए, कि दबाने के लिए कि तुम, मैंने ही बनाया नवाब और तुम मुझे मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो, अंग्रेज ऐसे करना चाहते थे। लेकिन जब ये सेना जाती है एलिस के नेतृत्व में, तो अब ये भी कम नहीं रहता है मीर कासिम, इनको पकड़वा लेता है, इनको पकड़वा के इनको मरवा देता है। एक पटना घटना होती है, पटना हत्याकांड होती है, जो कि 1763 ईस्वी में होता है।
उससे पहले भी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था, तीन युद्ध हुआ था, ठीक है। तीन युद्ध का नाम मैं बता दूं, एक हुआ था, एक सेकेंड, तीन युद्ध हुआ था ना कासिम के साथ। एक तो हुआ था, देखिए एक सेकेंड, हाँ, घटना में अगर तत्कालिक कारण देखा जाए क्यों बक्सर का युद्ध होता है, पहली तो पटना की घटना 1763 ईस्वी में हुई है। उसके बाद दूसरा कारण था दस्तकों का अंग्रेजों को दिया गया, जो चेक पोस्ट था उसका गलत प्रयोग करना अंग्रेजों द्वारा, ये युद्ध का कारण था। एलिस के साथ मीर कासिम के संघर्ष जो हुआ था पटना में, पटना हत्याकांड हुआ था, 148 लगभग थे, सबको मार डाला। ये कौन मारा था, जो समरू था ना, जो उसने प्रशिक्षक नियुक्त किया था उससे मरवा दिया था, ठीक है, मीर कासिम। उससे पहले युद्ध भी हुआ था, करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उद्दौनला का युद्ध, ठीक है, तीन युद्ध हुआ था मीर कासिम के साथ। तो ये सारे कारण थे। तो बक्सर का युद्ध आपको समझ आ गया, तो बक्सर का युद्ध होता है, तो पटना घटना के बाद, देखिए पटना की घटना के बाद, अभी बक्सर के युद्ध में बात पे आता है, पहले पटना की घटना के बाद क्या होता है, अब अंग्रेज मीर कासिम के पीछे पड़ गए। अब मीर कासिम भाग के कहाँ जाता है, मीर कासिम भाग के जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में उसको मुगल शासक शाह आलम दीती और सुजाउद्दौला से मिलता है मीर, फिर जो मुगल शासक होते हैं शाह आलम दीती, उनसे मिलता है, उनके साथ मिलके अपनी घटना बताता है, और ये त्रिगुट का निर्माण होता है। त्रिगुट यानी तीनों मिलके अब युद्ध का प्लान करते हैं। और इधर क्या होता है, मीर कासिम भाग जाता है, तो मीर कासिम की जगह पे एक बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, कि मीर जाफर को अगेन नवाब बना दिया जाता है। बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध कैसे होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब, शाह आलम दीती मुगल बादशाह, और एक तरफ अंग्रेज रहता है, अंग्रेज के सेनापति जो होता है हेक्टर मुनरो, और बंगाल का नवाब मीर जाफर रहता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। अभी आपको पता है कौन सा गवर्नर है बंगाल का, बेंसीडाट के समय होता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये घटना होती है। अब घटना का परिणाम क्या होगा, त्रिगुट हार जाएगी, मीर कासिम हार जाता है, उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी हार जाते हैं, मीर कासिम भाग गया, बाकी दो जो लोग थे सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और शाह आलम दीती, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज। और गिरफ्तार करने के बाद 1765 में क्लाइव गवर्नर बन जाता है, 1765 से 67 तक, फिर भारत आ जाता है ना वापस जब उसको बुलाया जाता है। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, अब ये जो दोनों को गिरफ्तार कर लिए तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ शर्तें रखेंगे। तो इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधि होती है इलाहाबाद की, एक तो प्रथम संधि हो जाती है जिसमें अंग्रेज होते हैं एक साथ, और शाह आलम दीती के साथ होती है 1765, 12 अगस्त, एक 16 अगस्त 1765 को होती है जो कि अवध के नवाब के साथ सुजाउद्दौला के साथ होती है। तत्कालिक जो बंगाल नवाब जो था मीर जाफर मर जाता है 1665 में, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा रहता है तो मर जाता है, और दीवान जो नजमुद्दौला नवाब बना दिया जाता है, नवाब नहीं मतलब दीवान समझ लिए, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव रहता है इस टाइम गवर्नर, बंगाल का नया गवर्नर बन जाता है। और ये घटनाएं थी। क्या क्या शर्तें रखी, ऐसे तो कुछ शर्तें रखेंगे मुगल के साथ। तो जो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 12 अगस्त 1765 में, उसमें मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल प्रांत, आज का जो बांग्लादेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड है, के शासन का अधिकार प्रदान कर दिया, दीवानी मिल गई, ठीक है, अंग्रेजों को दीवानी मिल गई। अब बदले में क्या, अंग्रेजों ने 26 लाख रुपया मुगल बादशाह को वार्षिक देने का स्वीकार किया। अब वार्षिक क्या है, ये 26 लाख रुपये मुगल बादशाह को देंगे। मुगल बादशाह को कड़ा जो कि अवध में था, मानिकपुर अंग्रेज ने दिया, कड़ा और मानिकपुर क्षेत्र दे दिया मुगल बादशाह को, और मोहम्मद बादशाह ने उत्तर सरकार के क्षेत्र भी अंग्रेजों को, जो उड़ीसा का क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों को दे दिया। नजमुद्दौला के साथ भी कुछ करते हैं, बंगाल का जो नवाब बनता है नजमुद्दौला, इससे अंग्रेजों ने NOC ले ली। NOC क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, और तथा बदले में 53 लाख रुपया निजामत हेतु देने का वचन दिया, वार्षिक जो है इसको भी 53 लाख रुपये देने का डील हुआ। तो ये मनी भी पूछा जाता है, 26 लाख का उसके साथ, 53 लाख का इसके साथ, नवाब के साथ। तो देखिए अब ये हो गया। दूसरी संधि क्या होती है इलाहाबाद की, वो भी तो देखिए, ठीक है, ये वाली इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है वो किसके साथ होती है, 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला से साथ, और रॉबर्ट क्लाइव भी पक्ष में रहता। संधि की शर्तें क्या थी, 50 लाख के युद्ध हर जाने, यानी अब नवाब को ही 50 लाख अंग्रेज को देना है, ठीक है,
और कड़ा जो मानिकक्षेत्र जो मुगल बादशाह को दे दिया गया था वो देने की शर्त हो गई। चुनार का किला भी अंग्रेज ले लिए मिर्जापुर अवध के नवाब से। बनारस से लेकर जो गाजीपुर का पूछा क्षेत्र था वो अवध के नवाब का मालिकाना हक तो था, लेकिन उस पर कौन प्रशासक बना? बलवंत सिंह उसके प्रशासक होंगे जो कि अंग्रेजों के सहयोगी थे। अवध की अनुमति के बिना अंग्रेज सैन्य अवध के क्षेत्र में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कंडीशन हो गई, कहीं भी आ सकते हैं। अवध में अंग्रेज कर मुक्त व्यापार करेंगे और ये घटना हुई थी। ठीक है, अद्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट या द्वैध ड्यूअल गवर्नेंस। ठीक है, ड्यूअल गवर्नेंस या डायार्की क्या थी? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लेके आया था, लेकिन इसके वास्तविक जनक लियो कर्टिस थे। तो ये बंगाल प्रांत में ड्यूअल गवर्नेंस आ जाता है 1765 में। इसकी सैद्धांतिक स्थिति की देखें तो इसको दो प्रशासन दो हिस्सों में बांटा गया था। दीवानी रेवेन्यू मैनेजमेंट था, जो अंग्रेज वसूल कर रहे थे पैसा वाला, और फौजदारी जो निजामत या लॉ एंड ऑर्डर था कि उसको भारतीयों को शक्ति देती कि लॉ ऑर्डर तुम मेंटेन करो, बाकी पैसे वैसे मैं देखूंगा। नजमुद्दौला को 53 लाख रुपये वार्षिक सुनिश्चित देने, ये तो मैंने अभी बताया था। बंगाल को 3 उपखंडों में बांट दिया गया था और उसकी जिम्मेदारी पृथक पृथक उप नवाबों को या सूबेदारों को दे दी गई थी। बंगाल में मोहम्मद रजा, बिहार में राजा सिताव राय, उड़ीसा में राय दुर्ग राय बन गए। ठीक है, अब ये द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों को कर्तव्यविहीन अधिकार पूर्ण शोषण किया, राजस्व मिल रहा था, लूट और भयानक शोषण का दौर था ये। ठीक है, फिर क्या जाता है 1772 में ये वॉरेन हेस्टिंग ने, ये बंगाल का जब गवर्नर बनता है तो ये द्वैध शासन ही समाप्त कर देता है। ठीक है, और पर्सियल जो थे, पर्सियल एक इतिहासकार थे, अंग्रेजी इतिहासकार थे पर्सियल स्पीयर ने, उनका ये कथन था कि बेशर्मी का वह लूट का काल था ये जब ड्यूअल गवर्नेंस आया था। तो और के एम पट्टिकर पड़कर भारतीय इतिहासकार का कथन था यह डाकू राज्य था। ठीक है, और ये हो गया। अब देखते हैं 1765 में हमने देखा कि मिर्जाफर की मृत्यु हुई थी, अमीर कासिम भाग जाता है तो मीर कासिम की मृत्यु सीढ़ियों पर मिलती है उसकी डेड बॉडी। तो मीर कासिम की मृत्यु 1777 में दिल्ली में हुई थी, और इसका शायद मीर कासिम का मकबरा या किला कहीं है, आई थिंक आप रीड करना, मुंगेर बिहार में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे पटना बूचर कांड हुआ था, जो पटना में अंग्रेजों की सेना को मारा था इसने, बुरी तरीके से मरवाया था, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मीर कासिम का मुझे ऐसा सच आइडिया नहीं है, बट आप एक बार चेक कर लेना मृत्यु मीर कासिम की 1770, क्योंकि वो आप BPSC का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें पूछेगा, ऐसे अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये ओवरऑल पूरी स्टोरी थी, कंसेप्ट आपका बिल्ड हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बट पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, अब 1757 में, भूलेंगे नहीं अब 23 जून 1757 को। और इसके बाद देखा जाए तो निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दिया था शाह आलम दी। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में 12 अगस्त को। ठीक है, और यहाँ पे हाँ ये वाला शायद मैंने पहले भी कराया था, ये वाला देख लीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में दोनों होती है, और एक्स चैपल की संधि जो होती है ये फ्रांसिसियो के साथ होती है 1748 में, और ला बर्दिनेस द्वारा मद्रास का अधिकार किया गया था 1746 में, डुप्ले की पदच्युति हुई थी, मद्रास का अधिकार 1754 में किया गया था। एक सेकेंड इधर देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765, एक्स चैपल 1748, ला बर्दिनेस द्वारा 1744, तो एक्स ए हाँ ए ए ए का देखा जाए तो ये वाला बी बी सही है ना, डी का वन सही है, वी आर करेक्ट, डी का वन। और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में, मद्रास वाला तो हुआ था 1746 में हुआ था, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, ये तो हमने पहले भी कर लिया है, गेस ये क्वेश्चन आई गेस करना है हमें। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अभी मैंने बताया मुर्शिद कुली खां, फर्रुख सियर के टाइम तक तो बना था। देखिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारतीय प्रतिस्थापित किया था वो बक्सर का बैठा था, बैटल ऑफ बक्सर निर्णायक था। ठीक है, प्लासी का युद्ध तो बता दिया मैंने, ये सीक्वेंस लगा लीजिए एक बार, क्लाइव का पुनः भारत आना, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि तो क्लाइव के पुनः भारत आना समझ रहे, क्लाइव पहले आता है, इलाहाबाद की संधि बाद में होती है, बक्सर का युद्ध पहले हो जाता है। देखिए, पहले बक्सर का युद्ध होता है तीसरा, उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन होता है, फिर इलाहाबाद की संधि होती है, फिर वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जाना बना। तो चलिए, तो तीन तीन वन टू फोर थ्री वन टू फोर थ्री वन टू फोर हो जाएगा।
3124, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3124, मैंने बताया ना 3124, तो ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, 3124 डी हो जाएगा सर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।